वेलकम टू अनप्लग्ड एग्जाम। आज की क्विज में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ आपको डेली जीके एंड करंट अफेयर्स की क्विज का वीडियो रोज़ रात के 9 बजे मिल जाएगा और इस क्विज में आपसे 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हर क्वेश्चन का टाइम होगा 5 सेकेंड। और इस क्विज का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको ये क्विज अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज जीके एंड करंट अफेयर्स को लाइक कर लें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए आज की क्विज स्टार्ट करते हैं। आज की क्विज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 27 सितंबर 2019 को सर्च इंजन गूगल का कौन सा जन्मदिन मनाया गया है। टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है ए 21वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यटन दिवस वर्ल्ड टूरिज्म डे हर वर्ष मनाया जाता है। टाइम स्टार्ट होता है नाउ। जल्दी से आंसर कीजिए। टाइम अप। इसका आंसर है ए 27 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने समाज में बदलाव लाने के लिए किस भारतीय को चेंज मेकर अवार्ड से सम्मानित किया है। टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है सी पायल जहांगीर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने जनवरी 2018 से अब तक किस ग्लेशियर से लगभग 130 टन ठोस अवशिष्ट को हटाया है। टाइम स्टार्ट होता है नाउ। जल्दी से आंसर कीजिए। टाइम अप। इसका आंसर है सी सियाचिन ग्लेशियर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दिन वर्ष 2019 को विश्व समुद्री दिवस मनाया गया। टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है बी 26 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारत में किसी भी राज्य क्रिकेट संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है डी रूपा गुरुनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आईटी कंपनी को क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ कैटेगरी में यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड मिला है। टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है सी इन्फोसिस कंपनी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश पहली बार ऑनलाइन पर्यटक वीजा देने जा रहा है। टाइम स्टार्ट होता है नाउ। जल्दी से आंसर कीजिए। टाइम अप। इसका आंसर है ए सऊदी अरब। ये पहली बार ऑनलाइन पर्यटक वीजा देने जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक रीसेट रीगेनिंग इंडिया इकोनॉमी लीगेसी का विमोचन किया गया है। टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है डी सुब्रमण्यम स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यटन दिवस 2019 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है। टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। ये मेजबानी कर रहा है भारत। इसका आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं की खेती के लिए कौन से उर्वरक का उपयोग करेंगे। टाइम स्टार्ट होता है नाउ।
टाइम अप, इसका आंसर है ए, नाइट्रोजन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। जल्दी से आंसर कीजिए। टाइम अप, इसका आंसर है सी, पत्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी समुद्री धाराएं हैं? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप, इसका आंसर है सी, ये ठंडी समुद्री धाराएं हैं, हम्बोल्ट धारा, ओयासिवो धारा और कनारी धारा, जबकि ब्राजील धारा गर्म समुद्री धारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षियों को बहुत ऊंचाई पर उड़ते समय सांस की परेशानी क्यों नहीं महसूस होती है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप, इसका आंसर है सी, उन्हें अतिरिक्त वायु कोष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप, इसका आंसर है सी, पनीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप, इसका आंसर है वी, तात्या टोपे का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरियार गेम अभ्यारण प्रसिद्ध है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप, ये प्रसिद्ध है बाघों के लिए, इसका आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्रामपुर जिसके खनन के लिए प्रसिद्ध है वह है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप, ये प्रसिद्ध है लौह अयस्क के लिए, इसका आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप, इसका आंसर है सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप, इसका आंसर है बी, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार, यह अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। ये थी आज की क्विज। आपकी इस क्विज में कितने क्वेश्चन सही हुए हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। अगर आपको ये क्विज अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर कर ज़रूर करें। कल मिलते हैं इसी टाइम नेक्स्ट क्विज के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। गुड बाय।